कम में मशीन कहाँ मिल रहा है, वो इस चीज़ के बारे में जानकारी लेते ही नहीं है कि आखिर मटेरियल क्या है, वो काफ़ी मोटा होता है तो उसे शेप में लाने के लिए हीटिंग ज़्यादा चाहिए। तो आपके लिए अगर ज़रूरत है तो लोगों को क्या है कि 2000 खर्च करके फैक्ट्री पर जाना पड़ता है। बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए जो है सीखना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। 90% लोग बिजनेस में फेल इसलिए होते हैं क्योंकि उन्हें उस चीज़ के बारे में जानकारी नहीं होती है। मैं पिछले वीडियो में स्टोन हीटर और नॉर्मल हीटर के बारे में बताया था। बहुत सारे लोगों का कमेंट है और सवाल है कि आखिर स्टोन हीटर का यूज कहाँ होता है, और बहुत सारे लोगों का सवाल ये है कि बफर प्लेट का जो प्लेट बनाते हैं हम उसमें कौन सा हीटर यूज करें, हीटर क्यों जल जाता है, और हीटर कौन सा हीटर कब यूज करना चाहिए, कौन सा हीटर अच्छा होता है। इन सभी डाउट को मैं आज क्लियर करने वाला हूँ। सो अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज के इस नॉलेजबल वीडियो को। कौन सा हीटर यूज करें, इससे पहले ये जानना आवश्यक है कि आखिर हीटर होता क्या है और हीटर जो है वो डाई में क्यों लगाया जाता है। देखिए, आप बहुत सारे लोग सोचते होंगे कि हीटर का वर्क डाई में दूसरे के लिए प्रयोग किया जाता है, लेकिन हीटर का उपयोग डाई में इसलिए किया जाता है क्योंकि जब आप पेपर प्लेट का डिज़ाइन देखते हैं तो उसमें अनेकों प्रकार की डिज़ाइन होती है, जैसे कि रिंकल डिज़ाइन, डायमंड डिज़ाइन, कोर डिज़ाइन, बहुत सारा डिज़ाइन होता है। तो हीटर क्या करता है कि जो हमारा धातु होता है, जो हमारा डाई होता है लोहे का, बैरिंग का, कॉलर का या नॉर्मल डाई, जो भी डाई है उस डाई में उस हीटर को इसीलिए लगाया जाता है ताकि उस हीटर से वो डाई फुल हीट हो सके, और फुल हीट होने के बाद जब हम कोई पेपर उसमें देते हैं तब वो पेपर क्या करता है कि वो कटिंग करके और जिस शेप का डाई होता है, जिस डिज़ाइन का डाई होता है, उस तरह का प्रोडक्ट हमें प्राप्त होता है। तो इसीलिए उसमें हीटर का उपयोग किया जाता है। बहुत सारे लोगों का सवाल था कि आखिर हम बफर प्लेट के लिए कौन सा हीटर उपयोग करें। तो देखिए, नॉर्मली जो हीटर होता है वो हीटर जो 80 GSM का हमारा पेपर होता है या पतला पेपर होता है उसमें तो क्या करते हैं हम लोग कि पत्ती वाला हीटर यूज करते हैं, लेकिन बफर प्लेट का जो सीट होता है वो सीट इस प्रकार का होता है। जैसे ये तो कटा हुआ मेरे हाथ में है और ये नॉर्मल बिना हीट का जो है कटा हुआ है, तो देख सकते हैं आप ये कितना मोटा है। तो इस को जो है कटिंग करने के लिए और बेस्ट शेप, मतलब जिस डिज़ाइन का डाई है उस डिज़ाइन में लाने के लिए डाई को क्या करना होगा, जो पतला पेपर है उसके अपेक्षा डाई को दुगुना हीटिंग चाहिए। तो दुगुना हीटिंग के लिए ही स्टोन हीटर का उपयोग किया जाता है, जो 1000 वाट का स्टोन हीटर आता है। अब स्टोन हीटर को आप लगाइएगा कहाँ, तो स्टोन हीटर सिर्फ बड़ा डाई में आप यूज कीजिए। बहुत सारे लोग छोटा डाई में भी स्टोन हीटर यूज करते हैं। छोटा डाई में स्टोन हीटर यूज करने से क्या होता है कि बेवजह उनका क्या होता है कि बिजली कॉस्ट बढ़ जाता है। तो जो लोग समझदार व्यक्ति है और जो लोग इस बिजनेस से जो है 10 पैसे का जो है महानता को समझते हैं वो अपना बिजनेस सही तरीके से करते हैं। और फेल कौन सा लोग हो जाते हैं, जो गलत रॉ मटेरियल खरीदते हैं, गलत मशीन खरीदते हैं और गलत तरीके से ऑपरेट करते हैं। तो उन्हें बचत, बहुत सारा कमेंट मैं ऐसा ही देखा हूँ जिसमें मैं अगर किसी भी चीज़ के बारे में बताता हूँ कि किलो पर अगर 20 रुपया बच रहा है, किलो पर 10 रुपया बच रहा है या किलो पर 30 रुपया बच रहा है, तो उसमें बहुत सारे लोग अपना सजेशन देते हैं कि ये झूठ बात है, इतना नहीं बचता है। तो जाहिर सी बात है उनका, उनको भी मैं सच मानता हूं, उनको इसीलिए नहीं बचता है क्योंकि उनको इस चीज के बारे में मालूम ही नहीं है, तो वो फेल होंगे ही। तो इसीलिए मैं हर वीडियोज में कहता हूं कि जानकारी लेना परम आवश्यक है अगर आप किसी भी चीज का बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं। जाहिर सी बात है अगर आप
समोसा का अगर दुकान खोलते हैं, नॉर्मली अगर आप किसी पकौड़े का दुकान खोलते हैं, अगर आप सही प्रोडक्ट नहीं बनाते तो एक दिन कोई आपके यहाँ खाने जाएगा, दूसरा दिन नहीं जाएगा। सेम उसी प्रकार हर बिजनेस है, प्रोडक्ट का शेप और प्रोडक्ट का अच्छा होना अति आवश्यक है। लेकिन उसमें आपको ये भी ध्यान देना है कि जो प्रोडक्ट आप बना रहे हैं, मार्केट में तो कॉम्पिटिशन है, तो जो प्रोडक्ट आप बना रहे हैं उस प्रोडक्ट में कम कॉस्ट में आप बेहतरीन प्रोडक्ट कैसे लाएं, इस चीज़ की जानकारी अगर आपको हो जाएगी तब आप उस बिजनेस में आप उच्च लेवल तक जा सकते हैं और सक्सेस हो सकते हैं। यही बहुत लोग गलती क्या करते हैं कि कम के चक्कर में प्रोडक्ट काफ़ी घटिया खरीद लेते हैं, रॉ मटेरियल काफ़ी घटिया खरीद लेते हैं, डाई काफ़ी घटिया खरीद लेते हैं। तो उनसे उनको क्या होता है कि रॉ मटेरियल अगर घटिया खरीद लिए तो आपका बनने वाला जो प्रोडक्ट होगा वो भी घटिया हो जाएगा और मार्केट में बिकेगा नहीं तो आप फेल हो जाइएगा। इसीलिए बिजनेस में समझना ये पड़ता है कि आप तालमेल को देखिए, मतलब कि आप उस चीज़ को देखिए कि आप क्या खरीद रहे हैं और उसे कितना अच्छा क्वालिटी में बना रहे हैं और कॉस्ट क्या पड़ रहा है। कम से कम कॉस्ट में बेहतरीन से बेहतरीन प्रोडक्ट जिन लोगों का जो होता है वही लोग मार्केट में अपना नाम करते हैं और उन्हीं लोगों का जो है मार्केट में अपनी पहचान होती है। यहाँ तो लोग इस चीज़ के पीछे भाग रहे हैं, अभी मैं देखता हूँ कि उन्हें कम में मशीन कहाँ मिल रहा है, वो इस चीज़ के बारे में जानकारी लेते ही नहीं है कि आखिर मटेरियल क्या होता है और हम बेचेंगे कैसे मार्केट में। वो सिर्फ दो चीज़ के पीछे अभी भाग रहे हैं, पहला कि कम से कम में उनको मशीन कहाँ मिल जाए और सारा माल वो बनाएंगे और वो कंपनी वाला खरीद लेगा। सबसे ज़्यादा फेल होने का कारण यही है और यही कारण से जो है हमारा बिहार बहुत पीछे चला जाता है रोज़गार के मामले में, लघु उद्योग के मामले में जो है बहुत पीछे रह जाता है। लोग यहाँ मेहनत करना ही नहीं चाहते हैं। सो मैं यही कहूँगा कि आप जो भी रोज़गार स्टार्ट कर रहे हैं, जो भी आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, उसमें इस चीज़ की जानकारी आप अवश्य लीजिए कि जिस चीज़ को आप करना चाह रहे हैं। अब आते हैं टॉपिक पे कि बफर प्लेट के लिए कौन सा हीटर। तो जाहिर सी बात है जो बफर प्लेट का जो सीट होता है वो काफ़ी मोटा होता है, तो उसे शेप में लाने के लिए हीटिंग ज़्यादा चाहिए तो आपको स्टोन हीटर का उपयोग करना होगा। स्टोन हीटर का अगर आप उपयोग करते हैं तो आपका जो ये प्रोडक्ट का शेप होगा वो अच्छी क्वालिटी का होगा और आपका अच्छा प्रोडक्ट बनेगा। स्टोन हीटर को कैसे डाई में सेट किया जाता है इसके ऊपर भी मैं वीडियो बना दिया हूँ और स्टोन हीटर आप कैसे खरीद सकते हैं, जैसे कि ऑनलाइन कुरियर के माध्यम से मैं अभी छोटा छोटा पार्ट्स भेजता हूँ लोगों को, जैसे स्प्रिंग हो गया। क्योंकि देखिए हमारे यहाँ क्या हो रहा है कि मशीन बेचने के पीछे, मटेरियल बेचने के पीछे बहुत से लोग पड़े हुए हैं, लेकिन सर्विस के मामले में देखा जाए अगर एक स्प्रिंग के लिए अगर ज़रूरत है तो लोगों को क्या है कि 2000 खर्च करके फैक्ट्री पर जाना पड़ता है। लेकिन मैं इस चीज़ को जो है काफ़ी लोग मुझसे जुड़ गए हैं लगभग लगभग महीने के अंदर में, जब मैं इस चीज़ को स्टार्ट किया था तो शुरुआती दर में महीने में मैं 5-6 प्रोडक्ट का कुरियर करता, अभी जो है लगभग 100 कुरियर का मुझे ऑर्डर मिल जाता है, इतना मिल जाता है कि मैं कर नहीं पाता हूं। तो सो ये है कि 50 रुपया का स्प्रिंग भी अगर कोई, चाहे वो मुंबई का हो, महाराष्ट्र का हो, गुजरात का हो, भारत में कहीं से भी ऑर्डर देते हैं तो मैं उन्हें नकारता नहीं हूँ, लगा देता हूँ। तो इसके लिए आपको पहले पेमेंट भेजना, मैं हर वीडियो में बता चुका हूँ, बहुत सारे लोग व्हाट्सएप करके परेशान करने लगते हैं कि प्रोडक्ट, तो इसके लिए जो है पेमेंट आपको, जैसे अगर 200 का ही प्रोडक्ट है तो 200 रुपया पहले भेजना पड़ेगा, उसके बाद मैं आपका प्रोडक्ट कुरियर कर दूंगा। कुरियर संपर्क करने के लिए आप व्हाट्सएप, केवल इस पर व्हाट्सएप कीजिए, आपको सारा इन्फॉर्मेशन मैं दे दूंगा। तो दोस्तों आज आशा करता हूँ आज की इस वीडियो में आपको समझ आ गया होगा कि स्टोन हीटर क्या होता है और बफर प्लेट के लिए स्टोन हीटर जो है यूज करना चाहिए और अच्छी क्वालिटी का मशीन और अच्छी क्वालिटी का रॉ मटेरियल खरीदना चाहिए, तभी आप उस चीज़ में सक्सेस हो पाइएगा। आशा करता हूँ आज की जानकारी आपको अच्छी लगी हो, जानकारी अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों के समक्ष हमेशा लाता हूँ और लाता रहूँगा। मिलते हैं अब अगले वीडियो में एक नए आइडिया के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।